खाना किसी भी इंसान के लिए बीमारी का कारण बन सकता है? ये सवाल जानकर आपको थोड़ी हैरानी तो जरूर होगी, लेकिन किसी भी चीज की आती आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। जैसे ज्यादा नमक वाली चीजें खाने से पेट के कैंसर का रिस्क बढ़ता है। इसके अलावा भी नमक की अधिक मात्रा से कई बीमारियों का कारण बन सकता है। सिर्फ नमक ही नहीं, ऐसे कई फूड्स हैं जिन्हें स्लो पॉइजन कहा जाता है। तो आइए जानते हैं वैसे 7 फूड्स के बारे में जो हमारे शरीर के लिए स्लो पॉइजन से कम नहीं है। नंबर 1, शक्कर। शक्कर खाने से लीवर में ग्लाइकोजन की मात्रा कम होती है। ज्यादा शक्कर खाने से मोटापा, थकान, माइग्रेन, अस्थमा और रिंकल्स होने की संभावना रहती है। नंबर 2, नमक। ज्यादा नमक का सेवन भी आपको भारी पड़ सकता है। इसमें सोडियम की मात्रा अधिक होती है जो हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर और हार्ट अटैक की संभावना बढ़ाते हैं। नंबर 3, मैदा। इसमें फाइबर बिल्कुल नहीं होता। मैदे वाली चीजें ज्यादा खाने से इनडाइजेशन होता है। इसमें मौजूद ब्लीचिंग एजेंट से दिल से जुड़ी बीमारी होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। नंबर 4, कोल्ड ड्रिंक्स। इसमें शक्कर और फास्फोरिक एसिड की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसके ज्यादा सेवन से दिल से जुड़ी समस्या हो सकती है। साथ ही इसे ज्यादा पीने से याददाश्त भी कमजोर हो सकती है। नंबर 5, फास्ट फूड। फास्ट फूड में मोनोसोडियम ग्लूटामाइट पाया जाता है। इसके ज्यादा सेवन से मोटापा तेजी से बढ़ता है, साथ ही इससे दिल से जुड़ी समस्या और अल्जाइमर होने की संभावना बनी रहती है। नंबर 6, अंकुरित आलू। अंकुरित आलू में ग्लाइको अल्कलाइड्स होते हैं, इससे डायरिया, सिर दर्द या माइग्रेन की संभावना ज्यादा होती है। और नंबर 7, मशरूम। कच्चे मशरूम में कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिससे कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए मशरूम को हमेशा उबाल कर ही खाना चाहिए। तो ये थे वो 7 फूड्स जिसे स्लो पॉइजन कहा जाता है, इसलिए इस फूड्स को या तो कम खाएं या फिर इसे अवॉइड ही करें। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।